वासुगुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के लेसन में बताया था कि आप लॉन्ग नोट्स किस तरह से बजाएं, लेकिन लॉन्ग नोट्स बजाने से क्या होता है कि आपके जो फूंक है, जो आपकी सांस है, उसमें इजाफा होता है, मतलब आपकी सांस जो है लंबी होती है। एक मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि सर, मेरी सांस बहुत छोटी है, मैं जब फूंक मारता हूँ तो तुरंत खत्म हो जाती है, मतलब मैं लंबी फूंक नहीं मार पाता हूँ। तो देखिए, ये जो साधना है, बांसुरी बजाने की जो साधना है, इसमें आपको जो है छोटे छोटे जो इसमें पॉइंट्स होते हैं या जो छोटे छोटे इसके टेक्निक्स हैं, उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने लेसन्स में, सीरियल्स में, उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बाद में चल के ही आपको जो है परफेक्शन दिला सकती हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान रखें और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जो है अच्छे से करें, मन लगा के करें, जिससे जो है आपको स्वरूप की पकड़ आपको आराम से हो। आपका कान जो है वो आपको मॉनिटर करता है कि आपका सुर कौन सा निकल रहा है, सुर सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपको कान, आपको मॉनिटर काम जो है आपका आपका कान करता है। तो कान में अगर आप सही सुर आ रहे हैं तो वो आप उसको आपको जो है कान जो है सुन के जो है आपको बताएगा, हाँ आपका जो ये सुर जो है एकदम सही लगा है। और अगर थोड़ा भी उसमें कोई विकार होगा या गलत लगेगा तो कान भी आपको मॉनिटर कर बताएगा, नहीं देखिए ये सुर आपसे गलत लग गया है। तो दोनों चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन जो है, मतलब आपके बजाने का, आपके प्रैक्टिस का, ये सब चीज़ है आपस में सब जो लिंक है, मतलब तो एक दूसरे के लिंक है कि आपकी मॉनिटरिंग जो है एक दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, या जो आप कह सकते हैं कि आपने कहीं फूंक तेज मार दी और आपको धीरे मारनी है, तो आपको आपका कान आपको तुरंत ऑटोकरेक्ट करेगा, नहीं देखिए यहाँ पर आपको ऐसे करना था, आपने ऐसा कर दिया। तो ये सब चीज़ जो हमारा डाटा जो है ना, हमारा माइंड जो है रिसीव करता है और आपको उसी तरह से आपको बताता है कि नहीं कहाँ पर सही है कहाँ गलत है। तो दोस्तों, जैसा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर प्रैक्टिस करने की कि लंबी नोट्स कैसे बजानी है, मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप जो है लंबी नोट्स बजाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 20-20 सेकंड तक बजाएं, तो एक बार, दो बार, तीन बार जब भी हो, लेकिन आपको 20 सेकंड बजाना है एक सुर को, तो इस तरीके आप प्रैक्टिस कर लें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बांसुरी तो हर आदमी बजाता है लेकिन उसमें मधुरता नहीं आती है। तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मधुरता क्यों नहीं आती है मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन आप जो है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, वैसे प्रैक्टिस। मैं आपको आज बताता हूँ कि जीभ से ठोकर मार के किस तरह से आपको जो है सरगम बजाना है, क्योंकि इसका भी सबसे अधिक इम्पॉर्टेंस है बांसुरी बजाने की कला में। टंग ट्रिपिंग या जीभ से टुक टुक करके या ठोकर मार के किस तरह से आपको सुर निकालना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा प्लेन सरगम है, सरगम है, सारे गम पा ध नि सा, ये तो आपने बजाया होगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि जैसे आपने प ध नि सा बजाया, जहां पर आपकी ब्लो का प्रेशर बढ़ना है, वहां बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर ब्लो का प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए मैं सी नेचुरल मिडिल से इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सी नेचुरल मिडिल से बजाएं, तो आप मेरे ट्यून से अपनी ट्यून को मिलाइए, देखिए कि आपका सुर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका सुर सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। जिस तरह से मैं बजा रहा हूँ उस तरह से आपके सुर बजने चाहिए, ठीक है। और चलिए मैं आपको जो बता रहा था टंग ट्रिपिंग, तो टंग ट्रिपिंग में आप क्या करेंगे, जैसे आपने सा बजाया, ये आपका प्लेन सा हो गया, केवल आपने फूंक मारी सा बजा। अब टंग ट्रिपिंग में क्या करेंगे, ठोकर कैसे मारेंगे, पहले आप जो है एक बार टंग से ठोकर मारें, इसको आप कम से कम जो है 5 बार
₹100 पांच बार जीप से ठोकर मार के बजाया, देखिए किस तरह से। इसके बाद रे बजाए, इसके बाद उनका बजाए, इसके बाद में शुद्ध मो बजाए, इसके बाद पंचम बजाए, इसके बाद धैवत निसार, इसके बाद में चौगुन का सा, इसके बाद एक बार रुक जाए फिर बजाए, मतलब जो है ठोकर मारी पांच पांच बार। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, और इसमें जो है आप ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि कितने ठोकर का आप सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, इस तरह से आपको सरगम बजाना है। तो दोस्तों आपको मेरा जो ये लेसन्स हैं, जो मैं आपको लेसन्स दे रहा हूँ या जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, वो आपको बहुत पसंद आएगी। और बांसुरी बजाने की विधा में आप पारंगत होने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करके जो है आप मेरा अपना आप अपना जो है प्रैक्टिस वीडियो मुझे भेजिए, अगर उसमें कोई भी कमी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपकी कमी हो रही है, कि आपका ब्लो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने टंग ट्रिपिंग सही की नहीं की। इसलिए आप जितने मैक्सिमम अपने वीडियोज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप करिए, मैं आपको उचित सलाह दूंगा, जिससे आप जो है इस बांसुरी बजाने की कला में जो है पारंगत हो सकें और अच्छी बांसुरी बजा सकें, सुरीली बांसुरी बजा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको पसंद ना आए या अच्छा ना लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा, और मैं ये सब जो लेसन्स हैं या जो आपका गाइडेंस है ये टोटली फ्री है। हाँ, एक अच्छी बांसुरी आप ज़रूर लीजिएगा किसी गुरु के माध्यम से, या अगर चाहें तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी से अच्छी बांसुरी दिलाने की कोशिश करूंगा, और जिससे जो है आप जो है कम से कम ये तो निश्चित हो जाएगा कि आपकी बांसुरी अच्छी है, बस आपके बजाने में ही दिक्कत आ रही है, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए कोई भी आदमी जो है एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है, ये उसकी एक लंबी साधना होती है और धीरे धीरे ही उसमें परफेक्शन आता है। कोई भी गुरु जो है अपने एक्सपीरियंस को ही आपको बताता है कि क्योंकि वो उस मतलब स्टेज से गुजर चुका है, उसको मालूम है कि उसमें कैसे मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है, वही अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। तो मैं भी अपने अनुभवों को ही आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है किस तरह से आसानी से आप बांसुरी बजा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते चलते मैं आपको धुन सुनाता हूँ, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और आप अपने प्रैक्टिस वीडियो मुझे भेजें, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी सी धुन सुनाता हूँ।